कुणाल विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। अयोध्या मामले के आने से पहले पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। यूपी के बलिया में पुलिस प्रशासन ने बड़े पैमाने पर सैकड़ों पुलिस कर्मियों के साथ फ्लैग मार्च निकाला, जहां जनपद के एसपी, एएसपी और डीआईजी आजमगढ़ जोन के मनोज तिवारी समेत पूरा पुलिस महकमा इस फ्लैग मार्च में शामिल हुआ। डीआईजी मनोज तिवारी की माने तो यह फ्लैग मार्च माननीय उच्चतम न्यायालय के अयोध्या मामले पर आने वाले आदेश और तमाम त्योहारों जैसे बरहत कार्तिक पूर्णिमा के मद्देनजर किया जा रहा है। तिवारी ने बताया, यदि किसी के द्वारा किसी भी प्रकार का उपद्रव या त्यौहार बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है तो एनएसए और राशुका जैसे धारा लगाकर कार्रवाई की जाएगी। फिर से बलिया से नवल चिकित्सा तक ले सैनिक की एक खास रिपोर्ट। क्यों फ्लैग मार्च हो रही है? जैसा कि आप जान रहे हैं, इस समय सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जल्दी ही अपेक्षित है। इसके अलावा पूर्णिमा का मामला जो है, आपका त्यौहार है, बारह वफात है, तो सारी चीज़ों को देखते हुए त्यौहारों की तैयारियों के दृष्टिगत व्यवस्था बनाए रखने के लिए और विश्वास बहाली के लिए आवश्यक है कि पुलिस फुट मार्च करे, पेट्रोलिंग करे और लोगों से संवाद करे। और जैसा कि आप लोग साथ में चल रहे हैं, लगातार पुलिस एक कर रही है, जगह जगह पर मीटिंगें भी हो रही हैं, संपर्क सभाएँ हो रही हैं और समाज के विभिन्न वर्गों का सहयोग लिया जा रहा है और इसी क्रम में हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, पूरे बलिया जनपद में 200 से अधिक सभाएं हो चुकी हैं पब्लिक के विभिन्न वर्गों के साथ, प्रधानों के साथ, चाहे स्वयंसेवी संस्थान हों के साथ, धार्मिक गुरुओं के साथ, व्यापारियों के साथ, सिविल डिफेंस के लोगों के साथ, सबके साथ व्यापक स्तर पर मीटिंगें हो चुकी हैं, विचार विमर्श हो चुका है। और सबसे आश्वासन और भरोसा हम लोगों को मिला है कि वो लोग सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे और कोई भी खुशी और गम दुख किसी भी स्थिति में बहुत सार्वजनिक रूप से जाहिर नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर भी कोई आपत्तिजनक चीजें नहीं आएंगी। सभी लोग संयम बरतेंगे और भाईचारा कायम रखेंगे। सर, सौहार्द बिगाड़ने वाले पर किस तरह कार्रवाइयां की जाएगी? अब उसके लिए आप जान रहे हैं कि जो भी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा, अगर माहौल गंदा करता है तो उस पर एनएसए हम लोग लगाएंगे, रास्ता बना हुआ है। और इसके अलावा 7CLA एक्ट में गंभीर रूप से कार्रवाई करेंगे और किसी भी दशा में किसी भी शरारती को, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, बख्शा नहीं जाएगा। थैंक यू सर। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं, सब्सक्राइब कीजिए।